Once a time, guys. Hi, everybody, ladies and gentlemen. We are in Dubai. सिंगर और रैपर बादशाह और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के डेटिंग रूमर्स को फिर मिली हवा। दोनों के रिलेशनशिप में होने की अफवाह लास्ट ईयर से सुर्खियों में है और रिसेंटली बादशाह और हानिया को हैंगआउट करते स्पॉट किया गया, तो लोगों को इनके रिलेशनशिप का मिल गया एक और बड़ा हिंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री जिनका नाम है हानिया आमिर। बादशाह का नाम हानिया आमिर, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, के साथ लिंक हो रहा है। इस बीच हाल में दोनों ने एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिसके वीडियोस और तस्वीरें सामने आए हैं। यही नहीं, बादशाह ने हानिया के लिए खास एक प्राइवेट कंसर्ट भी किया होस्ट इन दुबई, और जिसकी एक झलक आपके सामने है। बादशाह और अपनी ये मजेदार वीडियो खुद हानिया आमिर ने की है शेयर। इसमें दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आए हैं। हमारा माइक तोड़ दिया। हमने स्पेशल पाकिस्तान से मंगाया था। वीडियो की शुरुआत हानिया से होती है सेइंग कंसर्ट टाइम गाइस। शी देन फाइनली इंट्रोड्यूसेस द इंडियन परफॉर्मर लाइक द एमसी इन हिज शोज। कौन सा टाइम गाइस? हाय एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन दुबई। वीडियो में आगे दोनों अपने फनी एक्सेंट और किलर सिंगिंग स्किल्स शोकेस करते दिखे। वेल, इसमें दोनों की फनी बैंटर नेटिजन्स की खूब आईबॉल्स कैच कर गई। शेयरिंग द वीडियो, हानिया रोट इन कैप्शन, कंसर्ट टाइम। इस वीडियो में एक ऐसा पल भी आता है जहां खुद को ऑडियंस बताते हुए हानिया स्क्रीम्स लव यू बादशाह। वही बादशाह ने इस पोस्ट पर कमेंट किया, इस संगीत उत्सव और अभिनय का क्या ही वर्णन किया जाए। वैसे हानिया ने दुबई में बिताए अपने और बादशाह के कुछ और मोमेंट्स की झलक भी दिखाई इन अनदर पोस्ट। इसमें पहली पिक्चर में कपल कैमरा के लिए पोज कर रहा है। इसके बाद दोनों के यमी डिनर की एक पिक्चर थी। एक वीडियो जो बादशाह ने कैप्चर किया है, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया कैन बी सीन सिटिंग अंडर अ ट्री विद हर कॉफी। हानिया ने इसके साथ कैप्शन लिखा, रेस्क्यू अराइव्ड फ्रॉम चंडीगढ़। सोशल मीडिया पर हानिया और बादशाह की ये वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं। बता दे, इसे पहले भी दोनों के दुबई से एक साथ पिक्चर्स सामने आ चुके हैं, और जिसके आने के बाद से बादशाह और हानिया को फैंस कपल मान बैठे थे। और अब जब एक बार फिर दुबई में हानिया बादशाह ने गाला टाइम एंजॉय किया, दोनों के डेटिंग रूमर्स लाइमलाइट में आ गए। सलमान खान के घर पर हुए गन फायरिंग मामले में आयुष शर्मा ने किया है रिएक्ट। अप्रैल 14 की सुबह करीब 5 बजे दो लोगों ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई, जिसके बाद कई नोटेबल फिगर्स और सेलिब्रिटीज को उनके घर स्पॉट किया गया था टू चेक ऑन हिम। अब इस मामले पर सलमान के ब्रदर इन लॉ आयुष ने की है बात। आयुष शर्मा, जो सलमान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा के हस्बैंड और एक एक्टर है, इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रुसलान के प्रमोशन में जुटे हैं, और इसी दौरान उन्होंने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बांद्रा में हुए शूटआउट मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। इन अ रीसेंट इंटरव्यू आयुष ने गन फायरिंग इंसिडेंट पर अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करते हुए कहा, ये फैमिली के लिए एक टफ टाइम है। We are his family. It is a tough time for us, and we all as a family stand together. आयुष शर्मा का मानना है कि इस समय उनके लिए कोई भी स्टेटमेंट देना या कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक ग्रेव सिचुएशन है। He added, a competent Mumbai police has done a great job in doing what they're doing, and the matter is still under investigation. So, at this stage, I would just say thank you to everybody who has sent their love and prayers. That means a lot. And as you all know, he's back to work, so am I. सलमान खान की पूरी फैमिली फायरिंग इंसिडेंट मामले को बिना डरे हैंडल कर रही है। इसे पहले सलमान खान के फादर सलीम खान ने साफ मैसेज दिया था कि उनकी फैमिली या सलमान इसे डरने वाली नहीं, और इसलिए सलमान खान ने जहां अपना वर्क रूटीन चेंज नहीं किया,
उनकी फैमिली के बाकी लोग भी कॉन्फिडेंस से भरे हैं। खैर, बात करें आयुष शर्मा की फिल्म की, तो रुसलान प्रॉमिसेस टू ट्रीट ऑडियंसेस विद हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस। रुसलान दो जिंदगी जीते हैं, वन ही इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड द अदर ही इज अ रूथलेस किलर। द मूवी विल रिवॉल्व अराउंड हिज लाइफ फाइटिंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वंस। ये फिल्म 26 अप्रैल 2024 को थिएटर्स में आ रही है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने साईफाई एपिक कल्की 2898 एडी में अपने न्यू अवतार से किया सभी को सरप्राइज। दरअसल फिल्म से बिग बी का कैरेक्टर और उनका फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, जिसमें यंग अमिताभ की झलक देखकर फैंस रह गए दंग और इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कहीं डायरेक्टर नाग अश्विन ने अभिषेक बच्चन को तो नहीं किया है साइन। रिसेंटली मेकर्स ने कल्कि 2898 एडी का एक नया टीजर जारी कर जोरदार धमाका कर दिया। इसमें बिग बी के रोल से जुड़ी कुछ डिटेल्स से पर्दा उठा और उनके कैरेक्टर की स्नीक पीक मिली, जिसने न सिर्फ मेगास्टार के फैंस को हैरान किया बल्कि उनकी फैमिली मेंबर्स को भी कर दिया सरप्राइज। इस टीजर में ड्रेप्ड इन बैंडेजेस एंड व्हाइट क्लॉथ अमिताभ बच्चन को एज गुरु द्रोणा सन अश्वत्थामा पेश किया गया है। वही क्लिप में आगे बिग बी के कैरेक्टर के मच यंगर और फिटर अवतार को भी फीचर किया गया है और जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसमें वो एकदम अपनी पुरानी फिल्मों वाले बिग बी की तरह दिख रहे हैं। टीजर में फ्लैशबैक में दिखाए गए अमिताभ बच्चन के यंग अवतार को देख फैंस हो रहे हैं क्रेजी। यही नहीं, एंग्री यंग मैन में बिग बी का ये ट्रांसफॉर्मेशन सभी को इस कदर इम्प्रेसिव लगा कि इसकी सराहना करते हुए उन्होंने डायरेक्टर नाग अश्विन की तारीफ की। एक फैन ने लिखा, इज दैट अमिताभ बच्चन डीएज्ड और अभिषेक बच्चन। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, दिस इज अनदर एग्जांपल यूजिंग VFX प्रॉपरली, जस्ट स्टंट द यंग लुक ऑफ अमिताभ बच्चन सर। वहीं एक और यूजर ने कहा, द ग्लिम्स ऑफ हैशटैग कल्कि 2898 एडी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हैशटैग अमिताभ बच्चन, हैशटैग प्रभास। एक्चुअली इस सीन के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से मेगास्टार को डीएज किया गया है, यानी एज कम की गई है, जिसके लिए हर कोई नाग अश्विन को प्रेस कर रहा है और इसे एक गेम चेंजर की तरह देख रहा है, सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग। वही अमिताभ बच्चन ने भी रिसेंटली फिल्म से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, इट्स बीन एन एक्सपीरियंस फॉर मी लाइक नो अदर, द माइंड टू थिंक सच अ प्रोडक्ट, द एग्जीक्यूशन, द एक्सपोजर टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अबव ऑल द कंपनी ऑफ कोलीग्स विद स्ट्रेटोस्फेरिक सुपरस्टार प्रेजेंस। अमिताभ के इस लुक ने खुद अभिषेक को भी सुपर इम्प्रेस कर दिया, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने मल्टीपल फायर इमोजीज ड्रॉप किए, जबकि टीजर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, द बॉस हेल्म्ड बाय नाग अश्विन। ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में है अलोंग विद दीपिका पादुकोण, कमल हासन एंड दिशा पटानी। वरुण धवन और नताशा दलाल ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेबी शावर इवेंट को जमकर किया सेलिब्रेट। नताशा और वरुण धवन के चेहरे पर पेरेंट्स बनने की खुशी साफ नजर आई। अपने इस सेलिब्रेशन में वरुण और नताशा ने पैपराजी को भी किया शामिल। वेल, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन एंड नताशा दलाल के घर में बहुत जल्द किलकारी गूंजने वाली है।
वरुण और नताशा अपने फर्स्ट बेबी के वेलकम का बेसब्री से वेट कर रहे हैं और 21 अप्रैल को नताशा दलाल की गोद भराई हुई, जिसमें वरुण, नताशा की फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। वहीं बेबी शावर सेरेमनी में शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत भी इन्वॉल्व थी और अब इस गोद भराई सेरेमनी के इनसाइड पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फोटोज में देखा जा सकता है कि नताशा दलाल व्हाइट फ्लोरल ऑफ शोल्डर आउटफिट में बहुत क्यूट लग रही है। उनके फेस पर प्रेगनेंसी ग्लो क्लियरली विजिबल है। उन्होंने अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट किया है। वरुण और नताशा ने इस फंक्शन में शामिल हुए अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक की। इसका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें नताशा दलाल केक कट करती हुई नजर आ रही है और लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जबकि वरुण धवन की मॉम लाली धवन डांस कर रही है। वीडियो में वरुण धवन के डैड और फिल्म मेकर डेविड धवन भी दिख रहे हैं। साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां वरुण के स्टाफ मेंबर्स पैपराजी को एक स्पेशल गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। दरअसल वरुण और नताशा पैप्स को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहते थे। यही वजह है कि इस पिंक कलर के बैग में कुछ खास तोहफे उन्होंने पैप्स को दिए। वरुण धवन एंड नताशा दलाल शादी के 3 इयर्स बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्टर ने इसी साल फरवरी में रिवील किया था कि उनकी वाइफ नताशा माँ बनने वाली है। इट इज नोन कि वरुण धवन और नताशा दलाल ने 2021 में अलीबाग में शादी की थी और इनकी वेडिंग में ओनली क्लोज पीपल वर इनवाइटेड। वरुण धवन बहुत जल्द बेबी जॉन में दिखाई देंगे। ये एक फुल ऑन एक्शन फिल्म होगी जो कि साउथ सिनेमा के फेमस फिल्म मेकर अटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। कीर्ति सुरेश एंड वामिका गब्बी भी बेबी जॉन का पार्ट है। वरुण धवन की ये फिल्म इस साल 31 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। आमिर खान के बाद रणवीर सिंह के डीप फेक वीडियो ने उड़ाए उनके होश। रणवीर सिंह ने भी पुलिस में करवा दी है FIR दर्ज। कौन कर रहा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम को मिसयूज अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए? बॉलीवुड के एनर्जी हाउस कहे जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उनका एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसके बाद उनकी नींद उड़ गई। फैंस भी एक्टर का ऐसा वीडियो देखकर दंग रह गए और इसे तेजी से वायरल होते देख एक्टर को सफाई देनी पड़ गई। दरअसल इस वीडियो में रणवीर सिंह को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उन्हें टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि रणवीर सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये वीडियो तो डीप फेक की मदद से बनाया गया था। इस डीप फेक वीडियो मामले में अब एक्टर ने लीगल एक्शन लिया है। इस मामले में अब रणवीर सिंह ने एक FIR दर्ज करवा दी है। इस न्यूज को कंफर्म करते हुए रणवीर सिंह की टीम ने कहा है, यस वी हैव फाइल्ड द पुलिस कंप्लेंट एंड एन FIR हैज बीन लॉज्ड अगेंस्ट द हैंडल दैट वाज प्रमोटिंग द AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो ऑफ मिस्टर रणवीर सिंह। वहीं रणवीर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले एक कमेंट पोस्ट करते हुए लिखा, डीप फेक से बचो दोस्तों। बता दे, जैसे ही रणवीर का डीप फेक वीडियो सामने आया, ये खूब वायरल हो गया। इसमें एक्टर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे और लोगों से इस पार्टी को ही वोट करने की अपील भी कर रहे थे। इस वीडियो को AI टूल की मदद से बनाया गया था। अब एक्टर ने इस मामले में पुलिस की मदद ली है ताकि जो शख्स ये सब गलत हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके। साथ ही उनके शिकायत करने से लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी।
वैसे भी डीप फेक वाले मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ स्टार्स से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें डीप फेक वीडियो की वजह से खूब बवाल हुआ है। हाल ही में एक्टर आमिर खान का भी वीडियो वायरल हुआ था, वो भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे। बाद में एक्टर ने सफाई देकर साफ किया कि उन्होंने 35 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं किया है, यानी ये वीडियो भी फेक था। अब देखना होगा रणवीर सिंह के शिकायत करने के बाद मामले में आगे क्या होता है।